क्यों भाई साहब, कोई बात इंसाफ की करो ना। मुल्क में हो या ना हो, दुनिया में हो या ना हो, क्या फलस्तीन से इंसाफ हो रहा है? हमें इन गोरी चमड़ी वालों ने हमेशा बीन सुनाई कि मजहब से बालातर होकर इंसानियत का सोचो। क्या गजा के वो हजारों बच्चे जो शहीद हो गए, वो हजारों औरतें बेटियां बहनें जो शहीद हो गईं, वो जवान जो बूढ़े शहीद हो गए, वो इंसान भी नहीं है? हम तो इन खबरों पे भरोसा करके महसूस करते रहे कि फलां मुल्क भी उठ रहा है, फलां भी उठ रहा है, पर दिन रात लाशें उठ रही हैं, मुल्क कोई नहीं उठा। आप दूर क्या जाइए, क्या है इस दुनिया में, क्या है अदलो इंसाफ, जिसकी लाठी उसकी भैंस बदमाशी है, गुंडागर्दी है, इजारा दरी है, क्या क्या इसको उन्वान दिया जाए। इमदाद के जहाज पहुंच गए पर गजा की दहलीज को क्रॉस नहीं कर सके। एक पानी की बोतल भी अभी तक उसकी सरहद के अंदर दाखिल नहीं हो सकी। अक्वामे मुतहदा ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक मुल्क करारदाद पेश करता है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर करार दे, गालिबन ब्राजील है, करारदाद पेश करता है कि गजा वालों की गजाई मुआमनत जरूरी है, इलाज मुआलजे की अदवियात खत्म हो गई। ये दर्दनाक खबरें भी हैं कि जो सुन करने की अदवियात होती हैं ऑपरेट करने के लिए, वो भी ख़त्म है। बेचारे आगे सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसी हालत में उनकी काटा पीटी चल रही है। क्या क्या बताया जाए, कोई राह नजर नहीं आती, किस दीवार से सर टकराएं, क्या करें। एक पानी की बोतल ना जा सकी, तो वहां दो मर्तबा करारदादें पेश हो चुकी कि इंसानी बुनियादों पर उनकी गिजाई मामले में राहदारी खोल दी जाए। तो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान अमेरिका, उसने इसको वीटो किया, अमेरिका ने वीटो किया, जूते की नोक पर, वो भी और वो भी जो इनकी गुलामी का दम भरते हैं। ये लोग तो जीत गए जो शहादत का जाम पी गए। हुजूर पुरनूर इमाम अर्श मकाम सैयदु शुहदा मजलूम करबला सरकार अकदस तैयब अतहर सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिल करीम वाले सलात व तस्लीम ने फरमाया था, मरना तो बंदे ने वैसे ही है, पर अगर शहादत की मौत हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गजा में जो इस वक्त हुआ 2023 में, इन दिनों के अंदर हर एक को नंगा कर दिया, हमें भी नंगा किया। हम बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर मैच देखकर या खुश हो रहे हैं या अफसोस हो रहा है, वहां हर 15 मिनट बाद, ये बड़े इदारों की रिपोर्ट है, हम वैसे 15 मिनट को भी ज्यादा मान रहे हैं, हर 15 मिनट के अंदर एक बच्चा इसराइली फोर्सेस शहीद कर रही है, हर 15 मिनट में। कितनी कितनी देर क्या गुजरती है भाई साहब, मलबा गिरा हो, नीचे से चीखो पुकार हो, जिस जहां दवाई ना हो वहां क्रेने कहां होंगी, वहां एम्बुलेंसें कहां से आएंगी, उनको कौन निकालेगा जो नीचे सिसक रहे हैं, कोई वीडियो नहीं देखी जाती। ये हाल है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, गजा दिन ब दिन हर एक को नंगा कर रहा है, इन अरब के अय्याशों को भी, समझ गए, और हम मुसलमानी का दम भरने वालों को भी, कि क्या है, को हमारे दिल मगमूम है, को आंखों से अश्क है, को नुकरे बे कई कल्पे होइए। ओए हम अपने मकसद के लिए भी तो बाबा बुले शाह के दरबार पे जाते हैं ना, बाबा अखीर होगी उन नजर कर दे, तो कभी इस गल ची गई होइए कि लो जी उन दाता साहब जाना है। तवज्जो रखिएगा, कोई मामला नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, शुक्र करो अमन की दुनिया में बसते हो। ये एक आवाज दिल दहला देती है, वहां डायरेक्ट बम्बारमेंट मुसलसल जारी है, क्या हालत होगी। पर खुदा ही जानता है कि फलस्तीनियों की जो मिट्टी है उस मिट्टी में रब ने क्या रखा है। हम जैसे लोग, हमारे लड़के कि जिनके कानों में कांटे आ गए, हाथों में चूड़ियां आ गईं, जिन्होंने जनानी वजह को फख्र समझना शुरू कर दिया, पाँव में घुंघरू पहन लिए,
अल्लाह ने मर्द बनाया और ये औरतें बन के टिकटॉकर बन गए, इन ये टैंक क्या चीज है, ये 5 मिनट की वार्निंग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कौमें और होती हैं। इकबाल ने कहा ना पहले शिकवे में कि अब तो बुत भी हम पे हंसते हैं कि मुसलमानों का भी कोई खुदा है, मुसलमान नाबूद हो गए, नाबूद हो गए, मुक गए, मुक गए, मुक गए। फिर कहा उधर जवाब शिकवा भी आया, कहा ये शोर डालती हो कि मुसलमान हो गए नाबूद, ये तो बतलाओ मुसलमान थे कहां मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, क्या किया जाए। सिवाय इसके कि तारिक बिन ज़ियाद के किस्से पढ़े जाएं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात की जाए, बस बाकी फातिहा है और कुछ भी नहीं। मैं मानता हूं कि बार को मैं जहाज लेकर नहीं आया कि आपको बिठा करके चले मिलकर के वहां हम जिहाद करेंगे। बात हमेशा वही करनी चाहिए जो बात दिखती है, जो हो सकती है, जो मुमकिनात में से है। लेकिन एक बात होनी चाहिए, क्या मिसाल के तौर पे उलमा ने एक हिकायत लिखी है कि एक बादशाह था, वो अपने महल के बाला खाने पर चढ़ा तो उसने ढेर सारी फौज देखी अपनी जमा, तो उसके दिल में तमन्ना हुई काश मैं सरवरे आलम अलैहिस्सलाम के दौर में होता और ये सारी फौज बदर में हुजूर के साथ लगा देता, ओद में लगा देता। उसको मरने के बाद ख्वाब में देखा वो जन्नतियों का लिबास पहने मौज कर रहा है, कहा कैसे बख्शा गया, क्या हुआ, कहा वो जो दिल में तमन्ना आई ना रब्बुल इज्जत ने फरमाए नूं कुज ना पूछो, इन्हें मेरे हबीब दे नाल खलोण दा शौक जाहिर कीता है। मैं ये कहता हूं कि हम नहीं जा सकते, अभी आखिरी बात यही है कि नहीं जा सकते, जज्बा तो रहे, क्या समझ आई है, जज्बा तो रहे, अजम तो रहे कि मौका मिले तो हमने उनका दस्तो बाजू बनना है। और क्या आप समझते हैं कि ये घर रुक गए, ये आग रुक गई है, इराक जल गया, लीबिया जल गया, शाम जल गया, मिस्र के जो आलात है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, तुर्किया जला, रूस की रियासतें जली, हम बड़े बड़ों की फातिहा पढ़ चुके हैं और बड़े बड़ों के हक में रैलियां निकाल के अपना हक अदा कर चुके हैं, वो बर्मा हो, याद है कुछ बर्मा, अभी कल की बात है। और बहुत से लोग तो भूल गए होंगे एक नाम चेचनिया भी होता था, आज तक इज्तिमाई खबरें दरियाफत हो रही हैं चेचनिया से, ये रूस ने जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े उन मुसलमानों पर, वो बड़े बड़े जहाज भरकर जो उलमा होते थे जो कुरान पढ़ते थे उनको सख्त बर्फीले इलाकों में फेंक देते थे जहां चंद घड़ियों में खून जामद हो जाए और बंदे की मौत वाकई हो जाए। वो तो अब फिर है, वजह यह है सही बुखारी जनादे वाले चैप्टर में हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। तो ये शान इस्लाम की है, मुसलमानों से वो नहीं हो रहा जो मुसलमान की शान होती, समझ गए भाई साहब। तो अल्लाह ताला करम फरमाए, मैं नौजवानों से मुल्तमिस हूं, वो बेटियां वो बच्चे जो वीडियो पैगाम भेज रहे हैं उनको जरा कभी दिल के कानों से सुनो, अगर इन कानों को गाने बाजों से फुर्सत मिल जाए, माजत के साथ, माजत के साथ, एक ही जुमला कईयों ने कहा है, एक ही जुमला, शर्म से सर झुके हुए हैं, शर्म से सर झुके हुए हैं, एक ही जुमला, वो बेटियां जिनके बाप और माँ के लाशें पड़े हुए हैं, वो बेटा जिसके बहन भाइयों के लाशें कटे हुए पड़े हुए हैं, वो वीडियो मैसेज भेजते हैं तो एक सवाल हिला के रख देता है, वो सवाल ये है कि मुसलमान कहाँ हैं, क्या जवाब। कहाँ है मुसलमान, ऐन अल अरब, ऐन अल मुस्लिमून, कहाँ है अरब, कहाँ है मुसलमान, बस यही फरियाद है कि मालिक करम कर दे, तेरी बेनियाजियों को तू ही जानता है, पर्दे के पीछे क्या है तू ही बेहतर जानता है, लेकिन जाहिर के जो मनाजिर हैं मौला वो सहे नहीं जाते, वो बहुत तकलीफ दे, अजुर्दा खातर लोग हैं, मजबूर व माजूर लोग हैं, क्या करें किसको कहें।
रैली निकाल लो, रैली निकालें किसको सुनाएं? जिन्हें जख्म ना दिखे, कटी लाशें ना दिखे, आहो बुका ना दिखे। और ये बात अपने आप पे लाओ, अब मुसलमानों, ओ मुसलमानों, ये बात अपने आप में लाओ कि इंसानी बुनियादों पर वहां खुराक नहीं जाने दी जा रही, एक चीज है। दूसरा, आलमी कानून है, इस्लामी नहीं कहा, आलमी कानून है, अस्पताल पे दुराने जंग अटैक नहीं होगा। कहा ना कि गजा ही का ये सानहा जो है, जो अब तक जारी है, ये बड़े बड़ों को नंगा कर गया, बड़े बड़ों को। और यहां हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि वो फिगर तो आपको एक उंगली का क्लिक करना आपके गूगल शुगल पे रिसर्चें बता देगा कि दुनिया में कुल यहूदियों की तादाद कितनी है। इन मुख्तसर बिखरे हुए और नंगे बदन मफलूकल हाल यहूदियों ने इस कदर मुनज्जम होकर अपने आप को मनवाया कि बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों को आगे लगा दिया, इतने इस्लामी ममालिक होते हुए उनको आगे लगा दिया। ये तो हमारा चौथा हिस्सा भी नहीं है मुसलमानों की तादाद का जो कुल यहूदी हैं दुनिया के अंदर। लेकिन वहाँ ये ज़रूरी है कि बच्चा और बच्ची दीगर उलूम के साथ असलह की ट्रेनिंग ज़रूर होगी, ये लाजिम है। फिर उनका जो तराना है, इसराइल का जो तराना है, कौमी तराना, उस तराने को तो देखेंगे उसमें वो क्या कहते हैं। उसमें कहते हैं मुसलमान के सीने पर जब खंजर घोंपा जाए और उससे खून निकले तो इससे तस्कीन होगी। और दहशतगर्द मुसलमान है, दहशतगर्द कौन है? मुसलमान। डर है कि कहीं ये नाम भी मिट जाए ना आखिर, मुद्दत से इसे दौरे जमां मेट रहा है, फरियाद है कश्ती ये उम्मत के निगेबां फरियाद, बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है, ए खासा ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा।